आप सभी के समक्ष दो कविताएं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है अक्षरों में खुदा। अक्षरों में खुदा दिखाई दे, अब मुझे ऐसी रोशनाई दे, पिता के मासूलों का दे बिस्तर, माँ के आशीष की रजाई दे। हाथ खोलू तो बस धुआं मांगू, सिर्फ मुझे इतनी कमाई दे, रोशनी हर चिराग में भर दू, कोई ऐसी दिया जलाई दे। माँ के हाथों का स्वाद जिसने ले सब कुछ वही मिठाई दे, बेटियों को दे धूप आजादी, साथ थोड़ी उन्हें हजाई दे। धूप तो शहर वाली दे दी है, गांव वाली एक बरत मलाई दे, तल कर हजा तमाम लोगों को नीर दे, नीर की रुबाई दे। दर्द हो ईशा दे रहा है तो साथ दुनिया की एक लुगाई दे, घूस के सौ दहेज से बेहतर अपने हाथों की बनी एक चटाई दे। ऐ खुदा अब यही जुआ है कि इंसान को हैवानियत नहीं इंसानियत दे। और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जन्मभूमि का विस्तार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम कांटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे, एक अनल है एक शरीर है एक अन्य संसार। अलग अलग है सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार। परिज्ञान का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, सब धर्मों का सब वर्गों का जहाँ एक अधिकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अब तो आप लोगों को पता चल गया हो कि हमारा देश एकता से ही बनता है, अगर हम एक हैं तो हमारा देश एक है। इसीलिए मैं इन दोनों